दोस्तों दूधी भोपड़ा जिसको हम हिंदी में लौकी बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बॉटल गार्ड बोलते हैं, दोस्तों ये इतनी बेहतरीन, इतनी जबरदस्त औषधि है कि इसकी आप कुछ कीमत नहीं लगा सकते। वो कहते हैं ना कि करोड़ों रुपए खर्च करके भी आपको ये चीज नहीं मिलेगी, वैसी ये औषधि है। दोस्तों कुछ खतरनाक भयंकर बीमारियों का आपके सामने मैं नाम लेना चाहूंगा, जैसे कि हृदयघात यानी कि हार्ट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम, हार्ट में ब्लॉकेज हो जाती है, अगर आपको माइनर हार्ट अटैक आ चुका है, या फिर अगर आपके फैमिली में ये प्रॉब्लम है हार्ट की, दिल से संबंधित अगर उनको दौरे पड़ चुके हैं, आपको भी लगता है कि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस प्रॉब्लम के बीच में लौकी का जो जूस होता है यानी कि बॉटल गार्ड का जो जूस होता है, इतना बेहतरीन होता है कि मैं गारंटी लेता हूं 3 से 4 दिन मेरी विधि के बताए अनुसार, यानी कि अष्टांग रिदम की जो विधि है राजीव दीक्षित जी के द्वारा, अगर आपने उनकी वीडियो देखी हुई है तो वही मैं आपको बातें बता रहा हूं, मैं आपको कुछ नई बातें नहीं बता रहा अपने से, तो उसके अनुसार अगर आप सेवन करते हैं तो मैं 30 साल की गारंटी लेता हूं कि आपको फ्यूचर में कभी हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता। जिनको हो चुका है उनको पूरी तरह से हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है जड़ से खत्म हो जाएगी, और जिनको लगता है कि हमें हो सकता है अंदर से ऐसा महसूस होता है, दिल में दर्द होता है, उनको कभी नहीं होगा। ये 3 से 4 दिन के अंदर आपकी कोई भी हार्ट की नसों की ब्लॉकेज ठीक हो जाएगी। बस आपको विधि पता होना चाहिए, बीच बीच में आपको क्या क्या मिलाना है, उसके दूधी भोपड़े के रस में आपको कुछ चीज़ें मिलानी है 3 से 4। तो वीडियो को देखें, काफ़ी छोटी वीडियो रहने वाली है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि अगर आपको विधि नहीं पता होगा कितने महीने तक सेवन करना है, कितने हफ्तों तक सेवन करना है, तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। चलिए जानते हैं कि दूधी भोपड़े का सबसे पहले आपको रस किस तरह से तैयार करना है, उसके बाद में आपको विधि बताऊंगा कितने महीने तक आप इसका सेवन कर सकते हैं, किस समय पर सेवन करना है, और क्या क्या इसके लाभ होते हैं यानी कि बेनिफिट्स होते हैं, फायदे होते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना, हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं डेली एक नई वीडियो अपलोड करता हूं, उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, उसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें। चलिए बात करते हैं कि आपको दूधी भोपड़े का रस यानी कि लौकी का रस सबसे पहले तैयार किस तरह से करना है, उसके बीच में क्या क्या और चीजें मिलानी है आपको। दोस्तों मार्केट में 2 तरीके की लौकी आती है, एक तो लंबे वाली लौकी आती है, गोल वाली लौकी आती है, जिसके मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं, ये जो मैं आपको आज फायदे बताने वाला हूं, वो जो औषधीय गुण होते हैं वो आपको लंबी वाली लौकी में मिलने वाले हैं, और लंबी वाली लौकी में भी आपको ताजी लौकी लेके आनी है। कैसे पता चलेगा कि आपको ये लौकी ताजी है या पुरानी है? अगर आप अपना नाखून जोर से बीच में घसीटेंगे लौकी के, अगर वो अंदर घुस जाता है लौकी के नाखून, अगर आप घसीटते हैं तो उसका मतलब वो ताजी लौकी है, लेकिन अगर आप नाखून को रगड़ते हैं लौकी के ऊपर, वो अंदर नहीं घुसता है, काफी हार्ड लौकी है, इसका मतलब है कि उसका कार्बन डिके हो चुका है, वो खराब हो चुकी है, एक तरह से बोल सकते हैं। अगर औषधीय गुण के बारे में बात करें तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया, आपको ये वाली लौकी चुननी है। चलिए बात करते हैं लौकी का जूस कैसे बनाते हैं। दोस्तों लौकी का जूस बनाने के लिए सबसे पहले आपको लंबी वाली लौकी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। अगर आपके घर में मिक्सर ग्राइंडर है तो अच्छी बात है, नहीं तो हवाम दस्ता जिसको हम लंगरी बोलते हैं कूटने के लिए, पीसने के लिए, अगर आपके घर पर कोई भी चीज़ है उसके बीच में लौकी को डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करके, हल्का सा पानी जितना उसकी चटनी बन जाए, आपको अच्छे से पीस लेना है, कूट लेना है, ग्राइंड कर लेना है, ओके। उसके बाद में किसी भी कपड़े की मदद से, कोई भी जो सूती कपड़ा होता है उसकी मदद से आपको उसका रस निकाल लेना है, 1 गिलास रस। यानी कि जो रोगी हैं जिनको किसी भी प्रकार की डिजीज हो चुकी है, डिजीज में आपको अभी बताऊंगा, जैसे कि हार्ट में ब्लॉकेज होना, हृदयघात की समस्या होना, कब्ज की प्रॉब्लम होना, मैं आपको रोगियों का नाम बता रहा हूं, अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको लौकी का जूस पीना चाहिए। अगर आपकी कमर में दर्द रहता है, आपके कंधों में दर्द रहता है, आपके जोड़ों में दर्द रहता है, आपको वात पित्त या फिर कफ की समस्या रहती है, इंबैलेंस हो चुके हैं, माइग्रेन यानी कि आधे सिर दर्द की समस्या रहती है, रक्त विकार यानी कि ब्लड में अगर इम्प्योरिटीज हो जाती हैं, ब्लड में अगर आपके विकार आ जाए तो बहुत भयानक रोग होते हैं, सोराइसिस हो सकता है आपको, स्किन की भयंकर डिजीज हो सकती हैं आपको, पिंपल्स आ सकते हैं, और भी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी की समस्या आना, उसमें भी फायदेमंद होता है। ओबेसिटी यानी कि मोटापे के लिए तो इतना बेहतरीन, इतना जबरदस्त होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों रात को अगर आपको नींद नहीं आती है समय पे, बीच बीच में आपकी नींद खुल जाती है, उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है दूधी भोपड़े का रस पीना। इसके अलावा भूख ना लगना, जिनको बहुत कम भूख लगती है उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। अगर आपकी आंखों की रोशनी कमजोर है, आगे मैं आपको वीडियो में प्रयोग बताने वाला हूं, 1 महीने के अंदर अंदर भयंकर से भयंकर चश्मा दोस्तों उतर जाता है। इसके अलावा अगर आपके बाल उम्र से पहले सफेद हो चुके हैं यानी कि प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स हो चुकी है, बाल पतले हो चुके हैं, झड़ते बहुत ज्यादा, मैं लड़का और लड़की दोनों की बात कर रहा हूं, इतना जबरदस्त होता है
लौकी के जूस के बीच में आंवला मिला के सेवन करना। दोस्तों और भी आपको मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। शारीरिक कमजोरी दुर्बलता रहती है, चेहरे पे चमक नहीं रहती है, शरीर को अगर आप फौलादी बनाना चाहते हैं तो सभी बीमारियों में आपको दूधी भोपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए, इसका कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो दोस्तों मैंने आपको जितनी भी अभी बीमारियां मेंशन की, अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारी हो चुकी है तो आपको 300 मिलीलीटर 300 ml आपको इसका सेवन करना है लौकी के जूस का। अगर आप बहुत ज्यादा हेल्दी हैं, अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी डिजीज नहीं है, तो आपको 200 ml डेली सेवन करना है। कितने लंबे समय तक सेवन कर सकते हैं वो बताने से पहले आपको कुछ चीजें इसके बीच में ऐड करनी है, जैसे कि एक चम्मच आपको धनिया का रस यानी कि कोतम्बीर का रस ऐड करना है, एक चम्मच पुदीने का रस यानी कि पेट को ठंडा रखे ये लौकी और डाइजेस्टेबल हो जाता है लौकी का जूस, बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है अगर आप पुदीने का रस मिलाते हैं, एक चम्मच अदरक का रस और एक चम्मच आप तुलसी का रस भी मिला सकते हैं अगर उपलब्ध हो जाती है तुलसी का रस भी। तो ये आपको चार चीजें दूधी भोपड़े के रस में यानी कि लौकी के जूस के बीच में आपको मिला के सेवन करना है सुबह खाली पेट, और उसके 40 मिनट बाद तक या फिर एक घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। ओके, उसके बाद आप नाश्ता कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन 40 मिनट का गैप देना है इसको। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले हल्का गुनगुना पानी पीजिए, उसके बाद में आपको रस निकालना है, ये जिस तरह से मैंने आपको विधि बताई उस तरह से आपको फिर इसका प्रयोग करना है। दोस्तों कुछ बीमारियों को छोड़ के, जैसे कि अगर आप बालों को सफेद होने से बचाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, साथ में आंवले का पाउडर, अगर आपको आंवले का चूर्ण उपलब्ध होता है तो वो डाल लीजिए एक चम्मच, नहीं तो अगर आपको ताजा आंवला मिल जाता है उसका जूस निकाल के 3 से 4 चम्मच आप बीच में ऐड कर सकते हैं। बाल जड़ने सबसे पहले पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, उसके बाद प्री मेच्योर ग्रेइंग जिनकी हो चुकी है वो भी ठीक हो जाएगी, और बाकी मैंने आपको जितनी भी बीमारियों का नाम लिया था उसमें आपको वही चार चीजें मिलानी है, तुलसी का रस मिलाना है, अदरक का रस 1 चम्मच मिलाना है, उसके बाद धनिया का रस 1 चम्मच मिलाना है और पुदीने का रस 1 चम्मच मिलाना है एक गिलास यानी कि 300 ml लौकी के जूस के अंदर। दोस्तों आई होप कि आपको आज दूधी भोपड़ा लौकी बॉटल गार्ड के फायदों के बारे में पता चला होगा, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज देखिए वीडियो को अगर आप लाइक भी नहीं करेंगे लेकिन किसी ऐसे अपने मित्र के साथ जरूर शेयर करें व्हाट्सएप पे फेसबुक पे, ताकि उसको कुछ हेल्प हो सके, है ना, ऊपर वाला भी देता है अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो।